वफा की हुकूमत भंड पे भंड करे जा रही है, सारे बिल पास कर रही है जो जो उसके मफाद में है। आप ये देखें, सिर्फ एक सूबे को नवाजा जा रहा है, बस पंजाब 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 पंजाब। कहां है बलूचिस्तान, कहां है केपीके, कहां है सिंध? मैं तो वफाक से कहता हूं सिंध को तो अलग ही कर दें। सिंध में सिंध है क्या, किसके लिए रह गया है सिंध? वफाकी हुकूमत ने कौमी असेंबली से एक ही दिन में पंजाब में 25 नई यूनिवर्सिटीज बनाने का कानून मंजूर कर लिया है। कहां है सिंध सरकार? थोड़ा साईं साईं सिंध सरकार साईं साईं भंग पीना कम करो। 25 यूनिवर्सिटीज में से 3 ले लेते, लेकिन साईं आप भंग पीना कम कर दो। अवाम तो सत्तू पी के सो रही है ना, ये तो मर गई है, ये तो लाचार बेबस मर चुकी है, ये तो खत्म हो चुकी है अवाम। किसी बात में एहतजाज करने के लिए तैयार ही नहीं, ना अपने हक के लिए और ना अपने बच्चों के लिए निकलने के लिए तैयार। मुझे सिर्फ हैरत इस बात की है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटियां एक ही सूबे में बनेंगी। क्या बाकी सूबों को यूनिवर्सिटियों की जरूरत नहीं? क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं, बच्चियां नहीं? क्या हमारे इस सूबे सिंध में सरकार साईं सरकार को तो फिक्र नहीं, लेकिन क्या क्या वफाक को नजर नहीं आता? क्या सिंध और बाकी सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? बलूचिस्तान में कम से कम 5 नई यूनिवर्सिटियों की जरूरत है। सेनेट के अरकान को मुस्लिम लीग नून से पूछना चाहिए कि पंजाब में 25 नई यूनिवर्सिटियों के पीछे कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है। सेनेट में बहस की जरूरत है, लेकिन कौन करेगा? रही से एक बंदा है, एक सायरा बानो है या एक मुश्ताक साहब हैं तराजू वाले। एमक्यूएम तो बाबा, एमक्यूएम तो मस्त। जो एमक्यूएम सिंध की थी वो तो भंगड़े डाल रही है, उसको तो माल मिल रहा है, जरदारी की गोद में बैठी हुई है। एमक्यूएम एक टॉपिक पर अड़ी हुई है, सेंसस मर्दमशुमारी। अरे यार, अगर मान भी लेते हैं, चले आपके मुताबिक मान भी लेते हैं, वोट मान भी लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि हाँ भाई इतनी आबादी नहीं, इतनी आबादी है, फिर भी क्या तीर मार लोगे, क्या तीर मार लोगे? हर इलेक्शन में तो बायकॉट कर देते हो अभी भी, और अब इलेक्शन में बायकॉट करने के बाद एहतजाज करते हो कि सिंध सरकार सो रही है, सिंध सरकार ये कर रही है। अरे मत बेचो यार चूरन, मत बेचो ये चूरन। मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल साहब, फारूक सत्तार साहब और ये जितने भी आप जितने भी लुटेरे हो कराची वालों के और सिंध के, मत बेचो सही, मत बेचो चूरन महाजरों को। अपोजिशन में ही बैठ जाते पर कहीं तो बैठते, कहीं तो नमक हलाली दिखा दो। साइकिलों पे घूमने वाले महाजिर लीडरान आज अरबपति हैं, अरबपति अपने बारे में सोच रहे हैं, महाजरों को चूरन बेच रहे हैं, अभी भी एहतजाज करते हैं, हुकूमत से बाहर निकल के एहतजाज करते हैं, माल लूट रहे हैं, हुकूमत एहतजाज एहतजाज करते रहते हैं।